बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। नाज़रीन सलामुन अलैकुम, मैं हूं आपका मेज़बान ज़ीशान अली। इस वक्त आप अपने टेलीविज़न स्क्रीन पर देख रहे हैं हुसैनी चैनल, और जिस पर यह हमारा खसूसी पेशकश और खसूसी प्रोग्राम सवाल आपके में आप सबका इस्तकबाल है। नाज़रीन, ज़मीन की एक गर्दिश शबोरोज़ की तश्कील करती है, शबोरोज़ के जिसे हम यौम कहते हैं। ज़मीन चक्कर लगा रही है और गर्दिश अय्याम का सिलसिला जारी है। हर आने वाला दिन गुज़िश्ता दिन को ढकेल कर माजी के अंधेरों में फेंक देता है, जो हमेशा हमेशा के लिए ज़हन इंसानी से पोशीदा हो जाते हैं। मगर बाज़ अय्याम ऐसे होते हैं जिनके याद आते ही दिलो दिमाग पर यादों का एक सैलाब सा उमड़ पड़ता है। हम आज जिस माशरे में, जिस समाज में, जिस सोसाइटी में रह रहे हैं, हमारे सामने बहुत से ऐसे माजी में किरदार रहे हैं जिनसे हम सीख लेते रहे हैं। आज हमारे इस ख़ास और खसूसी पेशकश में हमारे साथ हमारे ख़ास मेहमान इस वक्त मौजूद हैं। आइए सबसे पहले हम उनका इस्तकबाल करते हैं। वक़ार रिज़वी साहब, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है। नाज़रीन बहरहाल आप अस्सलाम वालेकुम। हुसैनी चैनल के सारे व्यूअर्स के की खिदमत में मैं सलाम अर्ज़ करता हूँ। वक़ार रिज़वी साहब की शख्सियत बहरहाल मोहताज तारुफ़ नहीं है। आप अवधनामा चीफ एडिटर, सीनियर सहाफ़ी, जिनकी नज़र माशरे में समाज के बदलते हुए हालात और उसके पस मंज़र पर आपकी नज़र रहती है। आज का हमारा जो प्रोग्राम है और हमारा टॉक शो है, जो हमारा मौजू है, वो है दहशतगर्दी, आतंकवाद पर, टेररिज्म पर। हम ये देख रहे हैं कि हम टेररिज्म को, मैं जहाँ तक समझ पाया हूँ और आप हमसे ज़्यादा बेहतर समझ सकते हैं, कि हम दहशतगर्दी को शायद सही तरीके से, उसकी डेफिनेशन, उसकी तारीफ़ और दहशतगर्दी है क्या चीज़, हम हर चीज़ को दहशतगर्दी से जोड़ देते हैं। दहशतगर्दी जिसे हमें कुचलना चाहिए, ख़त्म करना चाहिए, मिटाना चाहिए, हम उस पर क्या कुछ कर पाए हैं और क्या कुछ कर रहे हैं, उस पर आपके मशवरे हम आपसे लेंगे इंशाल्लाह। सबसे पहले वक़ार रिज़वी साहब, आपका इस्तकबाल करते हुए हम ये चाहेंगे कि हमारे व्यूअर्स, हमारे नाज़रीन को आप ये बताएँ कि दहशतगर्दी है क्या चीज़। बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है। आज तक बहुत सी डिबेट जब भी हुई है, तब तक उसमें किसी ने ये नहीं बताया कि दहशतगर्दी है क्या। अगर हम लोग ये जान लें कि दहशतगर्दी कहते किसको हैं, तो शायद दहशतगर्दी का खात्मा अपने आप हो जाए। जैसे किसी के फीवर, बुखार आता है, तो बुखार उसका मर्ज नहीं है बल्कि वो एक सिम्टम्स है। ऐसे ही दहशतगर्दी के बारे में भी जानना बहुत ज़रूरी है। दहशतगर्दी दो तरीके की है। एक दहशतगर्दी वो जो मजहबी दहशतगर्दी होती है, जैसे कि लोग अक्सर कहते हैं कि दहशतगर्दी का कोई मजहब नहीं होता, लेकिन मेरे हिसाब से दहशतगर्दी का अगर मजहब ना होता होता तो लोग ये कैसे उन बच्चों को तैयार करते, कहते तुम इनको मार दो तो तुमको जन्नत मिलेगी। ये जन्नत और जहन्नम का तसव्वुर जो है, ये तो मजहब में है। तो वो दहशतगर्दी जिसमें लोग अपनी जान इस मकसद से देने को तैयार होते हैं कि अगर हम इनको मार दें, इनको शहीद कर दें, तो हमको जन्नत मिलेगी, ये एक मजहबी दहशतगर्दी है। एक दहशतगर्दी वो भी है जो जुल्म के खिलाफ, जिन पर जुल्म होते आए हैं एक अरसे से, और जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने के लिए वो ये रास्ता अपनाते हैं। हालांकि ये दोनों रास्ते बिल्कुल गलत हैं, इसकी पैरवी किसी भी तरीके से नहीं की जा सकती, लेकिन ये समझना ज़रूरी है कि दहशतगर्दी कहाँ से पैदा होती है, कौन लोग दहशतगर्द हैं, दहशतगर्दी के सिम्टम्स क्या हैं। एक दहशतगर्दी जिसको हम लोग आम कहते हैं, कि जैसे अभी अमरनाथ पे हमला हुआ, हमारे भाई मार दिए गए, शहीद हो गए, वो भी एक धार्मिक कार्य के लिए जा रहे थे। जाहिर है हम उसके लिए अफसोस जितना भी जाहिर करें कम है, और हम उन सब के, उनके खानवादे के साथ हैं जिनके घर के लोग मारे गए, वो किसी भी तरीके से हम उसको जस्टिफाई नहीं कर सकते। लेकिन दहशतगर्दी क्या सिर्फ ये है? मीडिया ने दहशतगर्दी इसी को बताया है, जबकि एक दहशतगर्दी ये भी है। अभी दो दिन पहले का वाकया है, आसाम गुवाहाटी में गवर्नमेंट सर्वेंट जो गवर्नमेंट के थे, कुछ गाय मेघालय से, आसाम से मेघालय ले आ रहे थे, ऑफिशियली थे वो, मुसलमान नहीं थे, लेकिन उनको मुसलमान समझ के एक भीड़ ने बेइंतहा मारा गुवाहाटी रेलवे स्टेशन पे। लेकिन इसको हमारा मीडिया भी दहशतगर्दी नहीं कहता। एक गांव में एक पुजारी एक जगह से ऐलान करता है और फिर पूरा गाँव मिल के एक आदमी को, एक निहत्ते को मार देता है, लेकिन किसी मीडिया ने आज तक उसको दहशतगर्द नहीं लिखा। आप रोज़ वाकई अखबारों में पढ़ते हैं कि एक आदमी गाय लेके जा रहा था, एक आदमी को शुबे पे है कि इसके यहाँ बीफ पाया गया, उसको मार दिया गया, लेकिन मीडिया ने कभी उसको दहशतगर्द नहीं लिखा। अब दहशतगर्दी कहते किसको है, क्या ये दहशतगर्दी नहीं है? अगर हम लोग ये समझ लें तो फिर दहशतगर्दी का दायरा वसी हो जाएगा, और किसी एक कौम के ऊपर जो इल्ज़ाम दहशतगर्दी का लगता है वो ख़त्म हो जाएगा।
क्या मैं ये कह सकता हूँ कि दहशतगर्दी के जो परिप्रेक्ष्य, उसका जो कैनवस है, उसके अंदर इसे भी हम रख सकते हैं कि किसी को बेवजह मजहब से जोड़ करके उसको प्रमोट करना है? कौम को जो दहशतगर्दी से जोड़ा गया, ये एक मीडिया की प्लान है और वेस्टर्न मुल्क की साजिश है, ये एक प्लानिंग के तहत हुआ। वरना दहशतगर्दी की एक आसान डेफिनेशन अगर आप किसी से पूछ लें तो एक ताकतवर आदमी एक कमज़ोर आदमी को, एक निहत्ते आदमी को अगर मार दे तो सिंपल से दहशतगर्दी इसको कहते हैं। ये कोई भी करे, ये हम करें तो हम दहशतगर्द, आप करें तो आप दहशतगर्द, कोई और कौम वाला करे तो दहशतगर्द, हमारी कौम वाला करे तो दहशतगर्द। लेकिन दहशतगर्दी का पैमाना यही सब के लिए होना चाहिए। कहीं पे इस्लामिक टेररिज्म का नाम दे दिया जाए और कहीं पे एक भीड़ को, लोगों को मार दिया जाए, तमाम कत्लेआम किया जाए और उसको कोई भी नाम ना दिया जाए और उसको हादसा कह दिया जाए, ये जुल्म है। और इसी के वजह से दहशतगर्दी पनप रही है और दहशतगर्दी ख़त्म नहीं हो रही है। बहुत अच्छे तरीके से आपने जो है वो दहशतगर्दी को डिफ़ाइन किया और सवाल भी आपने आज के मीडिया पर और आज के माशरे पे उन जो कलम जो लोग उठा रहे हैं और चश्मा उनका बहरहाल कहीं ना कहीं किसी एक पर फोकस है, उस पर आपने बहुत बड़ा तंज भी किया है और आपने लोगों को होशियार किया है। आपने एक बड़ी कीमती बात अभी ये कहा कि हम धार्मिक उन्माद और धार्मिक फसाद जो लोग बर्पा करते हैं हम उसे भी कह सकते हैं, तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि इसको प्रमोट करने के लिए धर्म की आड़ ली जाती है? बिल्कुल, धर्म को जो है वो बैसाखी, आप किसी भी धर्म को पढ़ लें, किसी भी धर्म ने ऐसा नहीं कहा है, किसी भी धर्म में ऐसा नहीं है। ये तो हमने धर्म की डेफिनेशन देखिए, एक धर्म वो है जो ऊपर से आया, एक वो धर्म है जो हम लोगों ने आपके सामने पेश किया, हमारे पंडितों ने, हमारे मौलवियों ने वो धर्म पेश किया। ये दोनों धर्म बिल्कुल एक दूसरे के मुखालिफ हैं। जो अल्लाह की तरफ से भेजा धर्म है उसमें सिर्फ इंसानियत है, एक दूसरे से भाईचारा है, मोहब्बत है, प्यार है, और जो हमने धर्म बनाया उसमें नफरत ही नफरत है। ये जितना भी आप देखते हैं ये हमारा बनाया हुआ धर्म है, ये अल्लाह का भेजा हुआ धर्म नहीं। किसी भी कौम में हो, किसी भी मजहब में हो, ये हरगिज़ इसकी कोई भी जगह कहीं से नहीं है। अच्छी बात आपने कही। नाज़रीन, आप इस वक्त हमारे मेहमान जनाब वक़ार रिज़वी साहब जो अवधनामा के चीफ एडिटर हैं, जिन्हें आप बहरहाल समाप्त करते रहते हैं, सुनते रहते हैं और उनकी तहरीरों को आप हमेशा पढ़ते रहते हैं, इस वक्त हमारे साथ हमारे रूबरू हैं और हमारा ये प्रोग्राम जो पूरा डिपेंड है, मुनसिर है आपके ऊपर, और हम बार बार ये कहते हैं कि हमें आपसे सवाल चाहिए और आप इस वक्त लाइव सवाल कर सकते हैं और जवाब आपको मिल सकता है। अगर आपको सवाल मीडिया से रिलेटेड ख़ास तौर से अगर आप जानना चाहते हैं तो आप वक़ार रिज़वी साहब से हुसैनी टेलीविज़न के ज़रिए तवस्सुस से आप पूछ सकते हैं। इस वक्त हमारा मौजू जो है वो, चूँकि ये टेलीविज़न और ये चैनल हम जिस परिप्रेक्ष्य में, जिस बैकग्राउंड में और जिस आते में बात करते हैं, हमारे सामने अहले बैत अलैहिस्सलाम हमारे लिए आइडियल हैं, जिन्होंने ज़िंदगी जीने का सलीका सिखाया, ज़िंदगी जीने का तरीका सिखाया। अभी आपने ज़िक्र किया है, हम सख्त लफ्ज़ों में, कड़े लफ्ज़ों में मजम्मत करते हैं। अभी जो बिल्कुल सानहा करीब में हुआ, जिसमें जो तीर्थयात्री थे उनके साथ जिस तरीके से उन्हें जानलेवा हमला हुआ और उस पर कुछ लोग मारे गए, और अभी दो दिन पहले बगदाद में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला है। हमने एक सवाल हमें आपसे करना चाहते हैं, चूँकि आप चीफ एडिटर हैं और आप एक अखबार की इस वक्त नुमाइंदगी कर रहे हैं। अभी हमने देखा है कि अखबार के अंदर, मैं नाम नहीं लूँगा, और सोशल मीडिया पर आज का ज़माना, टेक्नोलॉजी का ज़माना बड़ी तेज़ी से आ गया, उसमें शिया टेररिज्म की बात की गई, शिया आतंकवाद की बात की गई। देखिए, ये पहली असल चीज़ ये है, जो वाकई में दहशतगर्द हैं, जिन्होंने पूरी दुनिया में दहशतगर्दी फैला रखी है, उनको खौफ शिया कौम से ही है, क्योंकि शिया कौम की तारीख में कहीं दहशतगर्दी है ही नहीं। अब वो इसको लाना चाहते हैं। एक मिसाल दे के आपको पहचाना थी, जो इस्लामी तारीख जिन लोगों ने पढ़ी है उन जानते होंगे, रसूल के ज़माने में सबसे ज़्यादा जंगें जो भी हुई हैं इस्लामी जंगें, और रसूल के पीरियड में हुई हैं, और हज़रत अली ने उन जंग को रिप्रेजेंट किया, वही उसके सिपह सालार रहे, उन्होंने उसको किया। लेकिन जितनी भी जंगें रसूल के ज़माने में लड़ी गई वो अपने स्टेशन से हज़रत अली ने लड़ी, अपनी जगह से। इसका मतलब ये है कि अपनी जगह पर वो थे, जिन लोगों ने हमला किया वो अपने डिफेंस में उन्होंने लड़ी, वो कहीं पे हमला करने नहीं गए। रसूल के बाद की जंगें जो हैं उसमें फर्क आया, लेकिन जो ये कहा जाता है रसूल के जमाने में जितनी भी जंगें हजरत अली ने लड़ी वो जंगें सब अपनी जगह पे लड़ी, कि लोग उनसे लड़ने आए तो इस्लाम ने, बुजदिली नहीं है इस्लाम में, जो आए अपने दिफा के लिए, अपने डिफेंस के लिए, उन्हें उन्होंने उनका सामना किया।
یہ اسلامی تاریخ ہے. اس کے بعد آپ نے امام حسین کے کربلا کی پوری آپ واقعہ پڑھ لیں. آخری وقت تک یہ کوشش کی گئی کہ کسی طرح سے جنگ کی پہل ہماری طرف سے نہ ہو. آپ جانتے ہیں جب امام حسین کو سب سے پہلے بلایا گیا مدینہ میں ہی, ان کا اپنا وطن تھا, اپنی جگہ تھی, وہاں پہ بہت آسان تھا, لیکن انہوں نے اس کو اوائڈ کیا اور وہاں سے کربلا تک پہلا دن, دوسرا دن, چوتھا دن, یہاں تک کرتے کرتے یہ ایک میسج دیا, کیونکہ کربلا تو ایک میسج ہے ہم لوگوں کے لیے کہ ہم جنگ آخری حد تک نہیں لڑنا چاہتے. شیعوں کا پیغام بھی یہی ہے آج کے زمانے میں. اب شیعہ ملک جس کو کہہ دیتے ہیں ریپرزینٹ کرتا ہے اس وقت ایران ہے. ایران ہی ان لوگوں کے لیے گلے کی ہڈی بنا ہوا ہے جو لوگ پورے ملک میں دہشت گردی پھیلانا چاہتے ہیں. ایک اکیلا ملک ہے جو سب کے لیے سینہ سپر ہوتا ہے. فلسطین میں ہمارے اپنے بھائی نہیں ہیں, لیکن انسانیت کے لیے ایران اس کے لیے سینہ سپر ہوتا ہے. تمام ایسے مظالم جہاں ہوتے ہیں آواز ایک ہی آتی ہے ایران کی طرف سے. تو اب یہ چاہتے ہیں کہ یہ الزام ہم کسی ترکیب سے شیعوں پہ لگا دیں, کیونکہ اللہ کے جتنا شکر کیا جائے ہے کہ ابھی جتنے بھی دہشت گرد میں لوگ انوالو رہے ان میں کوئی بھی شیعہ نام نہیں آیا. اس لیے شاید ان لوگ جانتے تھے کہ شیعوں کا نام لانے سے ہم دہشت گردی کو پروو نہیں کر پائیں گے. اب یہ نئی ایک کوشش ہے میڈیا کی, انہوں نے دیکھا یہ ناکامیابی ہمارے ہاتھ لگ رہی ہے تو انہوں نے شیعوں کا نام یہ پہلی بار لیا ہے, لیکن اس میں کامیاب وہ نہ ہو سکیں گے, کیونکہ شیعوں کی پوری تاریخ میں ایسا کوئی واقعہ نہیں ہے جس میں کوئی بھی ظلم ان کی طرف سے کیا گیا. اس کی وجہ ہے کہ ہمارے ائمہ نے, رسول نے, اسلام میں, قرآن میں کہیں پہ ظلم کرنے کی ہے ہی نہیں اجازت. قرآن میں بار بار کہا گیا ہے کہ وہ لوگ جو فساد پھیلاتے ہیں, زمین پہ فساد کرتے ہیں, ان کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے جنت میں. سب سے بڑا جو گناہ عظیم وہ یہی ہے کہ آپ نے اگر فساد پھیلایا تو ایک کو نہیں, آپ نے کئی لوگوں کا قتل کیا. تو چونکہ حضرت علی کے بعد باقی امام, ان سے شیعوں نے بہت سی تعلیم, ساری تعلیم انہی لوگوں سے حاصل کیا, اس لیے اس میں کہیں بھی ایسا نہیں. آپ دیکھیے محرم ہے, محرم میں ہم اپنے کو تو اذیت دے سکتے ہیں لیکن کسی دوسرے کی اذیت کا سبب کبھی نہیں بنتے. ہم کو تو جلوس نکلنے میں مارا جا سکتا ہے لیکن کبھی آپ نے یہ نہیں سنا ہوگا کہ ہم نے کسی پہ ظلم کیا ہو. اس کی وجہ یہی ہے کہ پوری تاریخ کربلا کی, اس سے پہلے کی, ظلم کے خلاف ہے. ہم جتنا بھی جہاد ہے یا جو بھی مطالبہ ہے, جو بھی ہماری جد و جہد ہے, وہ ظلم کے خلاف ہے. تو ہم خود ہی ظلم کیسے کر سکتے ہیں؟ غار صاحب, آپ نے بڑی اچھی بات اور بڑی قیمتی بات ہمارے سننے والے ناظرین کی خدمت پیش کی, کیونکہ ہمارے ویور پرٹیکولر کسی ایک کمیونٹی کے نہیں ہیں, ہر قسم کے لوگ ہیں. جو گنگا جمنی تہذیب اور ہمارا جو ملک ہے, جو ہماری اپنے کلچر, ہماری اپنی تہذیب کے لیے پہچانا جاتا ہے, جہاں دیوالی دشہرے کے اوپر وہ مسلمان انہیں مبارکباد پیش کرتے ہیں, عید پر ہم ایک دوسرے کو مبارکباد, اور چرچ و گردوارہ, مندر و مسجد سے اٹھنے والی آوازوں کا سنگم اس ملک میں ہوتا ہے, اور یہی ہماری انیکتا میں ایکتا کی ایک اپنی پہچان رہی ہے. ایسے موقع پر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ آج الیکٹرانک میڈیا کا زمانہ, سوشل میڈیا کا زمانہ ہے. سوشل میڈیا کا ایک بہت بڑا رول ہے کہیں نہ کہیں. سوشل میڈیا پہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس قسم کے, جیسے کہ ابھی آپ نے ایک دو واقعات پیش کیے جو بھی قریب سے بالکل ہاتھ سے گزرے ہیں, اس پر جو ایک دوسرے کو گالی گلوچ دینے والی جو پرتکریائیں آتی ہیں اور جو ہم دیکھ رہے ہیں, آپ ایسے موقع پر کیا مشورہ دینا چاہیں گے کہ اسے کیسے کنٹرول کیا جائے, یا اس کے جو اثرات آنے والے فیوچر میں ہیں, جو نئی جنریشن پہ جو سوشلائزیشن ہو رہا ہے, وہ اس زہر کو کیسے کم کیا جائے, کیا مشورہ دینا چاہیں گے؟ دیکھیے, اس کا بہت آسان طریقہ ہے. یہ جو میسیجز آپ کے پاس آتے ہیں سوشل میڈیا پہ, یہ اتفاقاً نہیں آتے ہیں. اس کے لیے ایک دماغ ہے کام کر رہا ہے, ایک ریسرچ لیب ہے جہاں سے یہ نکالے جاتے ہیں. یہ اس لیے نکالے جاتے ہیں کہ آپ کو برگلایا جائے, آپ اس کا کچھ جواب دیں, اور جب جواب دیں تو ایک بڑی عوام کے سامنے یہ میسج دیا جائے. دیکھیے, یہ قوم وہ اپنے میسج کو تب چھپا لے جائیں گے, آپ کے میسج کو سامنے لائیں گے کہ یہ کہتے ہیں, ان کا نظریہ یہ ہے. وہ یہ کوئی نہیں بتائے گا کہ ان کو ہم نے برگلایا تھا. اس کا آسان طریقہ ہے, اس کا کوئی جواب نہیں دیں, آپ خاموشی اختیار کریں. وہ ایک پلاننگ کے تحت ہے, ایک ریسرچ لیب ہے جہاں سے وہ میسج نکلتے ہیں. آپ دیکھیے, آپ کبھی دیکھیے, یہ چینل میں جب بھی کوئی دہشت گرد کے نام پہ پکڑا جاتا ہے تو سارے چینل دکھاتے ہیں کہ وہ لشکر طیبہ کا تھا, اور وہ سارے نام وہ لے لیتے ہیں. ان سے کوئی یہ تو پوچھے, یہ انفارمیشن آپ کے پاس آئی کیسے؟ لشکر طیبہ ہے بھی کہ نہیں ہے, اس کا بھی کوئی ثبوت نہیں ہے. کوئی بھی آرگنائزیشن اگر ہوتی ہے تو کوئی اس کے آفس بیئرز ہوتے ہیں, اس کا کہیں آفس ہوتا ہے, کہیں ہوتا ہے. یہ نام کہاں سے آئے؟ یہ نام ہم نے دیے ہیں, ہم فوراً کہہ دیتے ہیں یہ آئے. لیکن یہی لوگ آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیے
ये जब 20 साल बाद, 10 साल बाद, 15 साल बाद बाइज्जत बरी हो जाते हैं, पुलिस इनके खिलाफ एक भी सबूत नहीं ढूंढ पाती, तो ये मीडिया तब नहीं बताता ये कि इनका 20 साल पुलिस ने करियर खराब कर दिया। दहशतगर्दी का इल्ज़ाम जो उसी मीडिया ने लगाया था कि लश्कर तैयबा का है, ये तो उसके हैं और यहाँ से आए वहाँ से आए, वो एक भी खबर नहीं दिखाता। तो ये मीडिया प्रोजेक्ट करता है, मीडिया को इस बात के पैसे दिए जाते हैं और मीडिया करता है। अगर ऐसा ना होता, मैं भी मीडिया से आता हूँ इसलिए मैं ये बात कर रहा हूँ, ऐसा ना होता तो वैसे ही खबर तब भी चलाई जाती जब वो 20 साल बाद वहाँ से बेगुनाह साबित हो जाते, उनके खिलाफ कोई चार्ज ना होता और वो वहाँ से होते। अभी आपने देखिए कल जो अमरनाथ में वाकया हुआ है, ये वाकया चूँकि जम्मू कश्मीर पुलिस उसको वहाँ पे सर्च कर रही थी, उसके इन्वेस्टिगेशन में था, तो संदीप नाम का एक शख्स पकड़ा गया। दहशतगर्दी किसी हिंदू मुसलमान से नहीं होती, बेशक जो भी दहशतगर्दी करे वो दहशतगर्द है, लेकिन मैं मिसाल देना चाहता हूँ। संदीप नाम का पकड़ा गया, शायद किसी और पुलिस के हाथ लगता तो आप नाम ना जान पाते, क्योंकि वो तो आदिल के नाम से रह रहा था, आदिली होता और आदिली पकड़ा जाता और मुसलमान दहशतगर्द कहलाते। अब आप समझिए इसलिए भी है कि मुसलमान के इस तरह की दहशतगर्दी से मुसलमान को क्या फ़ायदा है, रुसवा होगा, उसका करियर ख़राब होगा, उसके बच्चों का करियर ख़राब होगा। तो दानिशमंदी और अकलमंदी तो ये कहती है इस तरीके की दहशतगर्दी जो अपने मुल्क में हो रही है, ये मुसलमानों को करना किसी भी तरीके से अच्छा नहीं है। अगर हम चार को मार देते हैं तो हमारे हज़ारों आदमी बेगुनाह पकड़े जाते हैं सिर्फ उन चार की वजह से। तो मुझे नहीं लगता कि हमारे आदमी वाकई में ऐसी दहशतगर्दी करते हैं। दूसरे मुल्क से आए हों, वहाँ के लोग दहशतगर्दी करें माना जा सकता है, पड़ोस का मुल्क है, दुश्मनी उस पर है, ये करें, लेकिन ये इंटेलिजेंस फेलियर है। 25 जून को इंटेलिजेंस ने बता दिया था कि ऐसा वाकया होने वाला है। अगर फिर हम नहीं, साहब इस वक्त हम रोकेंगे आपको, माफ़ कीजिएगा, क्योंकि हमारे पास इस वक्त हमारे नाज़रीन जिस वक्त प्रोग्राम को देख रहे हैं, चूँकि प्रोग्राम का नाम ही हमारा है सवाल आपके, गलबन एक सवाल कोई हमारे नाज़रीन करना चाहते हैं। जी बिस्मिल्लाह। हाँ जी, वालेकुम सलाम। हेलो जी, जी आवाज़ आ रही है आपकी, आप बोले, पूछे सवाल पूछे। जी जनाब, मेरा सवाल है जनाब माफी साहब ये बताएं कि अगर जैसे हमारी फैमिली पर कोई प्रॉब्लम आ जाती है, कोई बात ऐसी होती है हमें मतलब वेपन्स उठाना पड़ जाए, बंदूक उठाना पड़ जाए, और ये चीज हमारे मुल्क के लिए मतलब गलत है, हमारे मुल्क के हिसाब से गलत है, हम तरवीज चलाए जाएंगे, तो इसके लिए इस्लाम क्या कहता है कि हमें क्या करना चाहिए, कि हमें अपनी फैमिली को मरते देखना चाहिए, मर जाना चाहिए फैमिली को हमारी, या हमें बंदूक उठाना ठीक है, इसके बारे में इस्लाम क्या कहता है, मैं ये जानना चाहूंगा। मैंने पहले ही अर्ज किया था कि इस्लाम बुजदिली नहीं सिखाता, डिफेंस करना आप पे लाजमी है, आपको अपनी जान हर हालत में बचाना है। एक सूरत हाल ये हो सकती है कि आपकी जान जाने से अगर मुल्क का फायदा है, जान जाने से मुल्क का कोई बड़ा फायदा है, तो आप उसमें भी खुदकुशी नहीं कर सकते। देखिए, जान जाना बमकसद होना चाहिए, आप इसलिए जान दे कि लोग आपको मारने आए हैं, और इसमें मुझे नहीं लगता कि इसमें मुल्क का किसी तरीके से फायदा है, लेकिन वो डिफेंस आप पे हर तरीके से लाजमी है, उसमें मुल्क का मुझे नहीं लगता कि उसमें मुल्क का कोई फायदा होगा कि अगर आपके घर वालों को कुछ लोग मार दें। आपको हर हाल में उनसे जंग करनी चाहिए, जिहाद करना चाहिए और अपने को बचाना चाहिए, अपने घर वालों को बचाना चाहिए, ये आप पे लाजमी है। मेरे ख्याल आप अपने सवाल से तकरीबन मुतमईन होंगे, आपने बिल्कुल साफ और वाज़ेह लफ्जों में ये बता दिया है कि इसमें आपकी जान लेने में मुल्क का कोई रोल नहीं है, ना सूबे का है, ना हुकूमत का है, ना प्रशासन का है, किसी का नहीं है इसमें। अगर कोई अगर आपके सामने आया हुआ है तो डिफेंस करने के लिए कानूनी तरीके से भी आपको आपके अधिकार मिले हुए, राइट्स मिले हुए हैं, आप अपने डिफेंस के लिए, आप अपने आप को बचाने के, अपने घर वालों को बचाने के लिए, आप अपनी हिफाजत के लिए आप कदम उठा सकते हैं। और कोशिश ये करिए कि इसमें कानून की जो भी मदद हो सकती है, या आपके लिए जगह जगह आज इंतजाम किए गए हैं, अब इंतजाम फेलियोर का बहुत से वो होते हैं, बहरहाल आप कुछ कानून को जहन में रखते हुए आप अपने डिफेंस के लिए कदम बहरहाल उठा सकते हैं। और इसकी बहुत अच्छी मिसाल आपके सामने है, जब आज से 10-13 साल पहले यही बीजेपी की गवर्नमेंट थी, तो जसवंत सिंह जी फॉरेन मिनिस्टर थे, और वो हवाई जहाज में जो आज का सबसे बड़ा दहशतगर्द पाकिस्तान में है उसको खैरियत के साथ पाकिस्तान तक पहुंचा के आए थे, क्योंकि अपने कुछ मुल्क के लोगों को बचाना था, तो उनकी जान की कीमत
अपने बचाने की इस हद तक है कि अगर कोई बहुत से बड़ा दहशतगर्द भी है तो उस एक को आप उसको जाने दीजिए, लेकिन अपने लोगों को बचा लिए, फिर आपकी अपनी जान बचाना तो आप पे लाजमी है, शरई लिहाज से भी, और मुल्क ने भी हमको ये कानून के तहत ये ताकत दिया है कि आप उसको बचाएं, तो हर हालत में आपको अपनी जान और अपने घर वालों की जान बचानी चाहिए। मेरा ख्याल आप अपने सवाल और वकार साहब के दिए गए जवाब से मुझे पूरा यकीन है कि आप मुतमईन होंगे। वकार साहब, अभी आपने जिक्र किया जिहाद का, आपने कहा जिहाद, आज बनाम जिहाद जो कुछ भी हो रहा है ज़माना उसे देख रहा है। अभी आपने जिक्र किया कि आज शायद हम कहीं ना कहीं गलतफहमी में मुब्तला हैं कि हमने लिबास को धर्म समझ रखा है और शायद इसी का सहारा लेकर के लोग गलत तरीके से दीन धर्म को बदनाम करने की ये कोशिशें हो रही हैं, आप इसे किस नज़र से देखते हैं? जहाद की हम बाद में बात कर रहे हैं, पहले हम बात कर रहे हैं जो लिबास के नाम पर आज धर्म को डिफाइन किया जा रहा है। देखिए, हमने कहा ना कि जो मज़हब आज है वो मज़हब अल्लाह का भेजा हुआ मज़हब नहीं है, जिसके में दहशतगर्दी है, चैन और अमन नहीं है, एक दूसरे की नफरत है, ये अल्लाह का दीन नहीं है। अल्लाह के दीन में तो मोहब्बत ही मोहब्बत है, तो ये हमा बनाया हुआ दीन है। जिहाद लफ्ज़ आया कहाँ से? जिहाद तो मज़हबी लफ्ज़ है जी, अल्लाह का दिया हुआ है। तो फिर कुछ लोग भी ऐसे होंगे जिन्होंने जिहाद किया होगा, अल्लाह ने भी जिहाद के लिए कुछ हुक्म दिया होगा, उससे देख लीजिए। हमारे पास किताब है, किताब की पैरवी करने वाले रसूल थे, उसके बाद अइमा हैं, तो जिहाद उन्होंने कैसे किया ये देख लें तो बहुत आसान है, समझ जाएंगे। क्या जिहाद उन्होंने दूसरों को मारने के लिए, सिर्फ अपने नफ्स को मुतमईन करने के लिए, जन्नत को हासिल करने के लिए किया? तो फिर जिहाद जैसे कर रहे हैं यही सही है। लेकिन जिहाद किसी मकसद को, दीन को अपनी जगह पे डिफेंस करने के लिए, अपनी कौम को बचाने के लिए किया, तो वो दूसरी चीज़ है। मुझे नहीं लगता, दो तरीके के जिहाद मैंने पहले कहा था, एक हमारे मुल्क में जिहाद है, एक मुल्क के बाहर जिहाद है। जो मुल्क के बाहर जिहाद हो रहा है वो मजहबी जिहाद है, उसको ये ना कहें कि उन जिहादियों का मजहब नहीं, उनका मजहब है, क्योंकि उसी मजहब के तहत उन नौजवान नस्ल को मोटिवेट किया जाता है कि तुम अगर इनको मार दो तो तुमको जन्नत मिलेगी, तो जहन्नम हूरे मिलेंगी, तो ये कंसेप्ट तो मजहब ने दिया है ना, तो कोई तो मजहब ऐसा है। ये तो मजहब खुद साख्ता है या मजहब है? नहीं, वो मौलवियों का बनाया हुआ मजहब है। अच्छा। उन मौलवियों ने मजहब दिया हुआ है। भाई मजहब हम कहाँ से लाएंगे? अगर कोई मुसलमान मजहब है तो इस्लामी तो होगा, बिल्कुल कानून होगा, कुरान है, इस्लाम होगा, तो कुरान है, रसूल की सुन्नत है, तो रसूल की सुन्नत तो कुरान में कोई जिक्र तो उसमें होगा ना कि नमाज लोग पढ़ रहे हैं, आपने वहां बम फेंक दिया, कोई उस जमाने में भी होता होगा ऐसा। तो अगर नहीं हुआ तो हम ये नई सुन्नत और नई बिदत कहां से ले आए? तो ये मौलवियों की बनाई हुई है, और मौलवियों की बनाई हुई है। देखिए, जो मुस्लिम दुश्मन मुल्क हैं वो, जैसे हमने यहां पे कहा कि संदीप पकड़ा गया आदिल के नाम से, तो जो लोग इराक में, सीरिया में, पाकिस्तान में जो लोग मार रहे हैं वो जरूरी नहीं मुसलमान हैं, हों, वो भी हो सकता है कि वो हों जो मुसलमान के, मुसलमान को बदनाम करने के लिए ऐसा कर रहे हों। आपने अभी कहा कि अब शियों का नाम आने लगा, तो उनको तो नाम रखना है, तो कोई अबशिया का नाम वो रख लेंगे जब आएंगे। तो मुझे नहीं लगता कि इस्लाम ने में कहीं भी इस्लाम का कोई भी फ़िरका हो जो इसको ये कहे कि सही है। बस बदकिस्मती यह है कि उसको गलत भी उस तरीके से नहीं कहते जैसे कहना चाहिए। अगर वो सब इसको गलत वैसे ही कहने लगे जैसे और चीज़ों में वो अपने फतवे बिदत के देते हैं, इसमें भी देने लगे, तो शायद मुसलमानों पर दहशतगर्दी का इल्ज़ाम ना लगे। मुझे इशारा कोऑर्डिनेशन टीम कर रही है आपके लिए कोई सवाल इस वक्त जो है हमारे नाज़रीन। मैं शुक्रगुजार हूँ अपने नाज़रीन का जो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं और बाकायदा दिलचस्पी लेते हैं, और आज से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और ये ज़रिया बहुत अहम है जिससे हम अपनी जो चीज़ें हैं वो लोगों तक पहुँचा पाएँ। तो मैं बिस्मिल्ला चाहूँगा कि वो सवाल हमारी कोऑर्डिनेशन टीम हम तक पहुँचाए। जी आप सवाल करें, सवाल करें, पूछे आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, मेरे ख्याल टेक्निकल कुछ प्रॉब्लम है, चाहेंगे कि सवाल वो हम तक पहुंचे। हम अपने गुफ्तगू को जारी रखते हैं, हम इंतज़ार करेंगे
ताकि कनेक्टिविटी हम तक हो पाए और ये सवाल जो हमारे नाज़रीन कर रहे हैं वो सवाल हम तक पहुंच पाए। अगर साहब बड़ी अच्छी गुफ्तगू बड़े सलीके के साथ और बड़े आसान उसमें आप हमारे नाज़रीन तक चीज़ों को पहुंचा रहे हैं और मैं शुक्रगुजार हूं आपका, आपने अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाला, आप यहाँ तशरीफ़ ले आए। हम आप भी जिक्र कर रहे थे कि टेररिज्म आतंकवाद, जी सवाल गालिबा आ गया है हम तक, माफ़ी चाहते हैं। आप ट्रांसफर करें तो मैं बात करूं। हाँ हेलो जी, पूछे सवाल पूछे आप। हेलो वकास साहब, अस्सलाम वालेकुम। आवाज जरा तेज, हम तक नहीं पहुंच पा रही है। हाँ वकास साहब, मैं एक सवाल पूछना चाह रहा था। सवाल क्या है पूछना चाह रहा था कि जैसे मुसलमान टेररिस्ट के लिए जो है वो मशहूर है कि मुसलमान आतंकवादी होता है, लेकिन उस वो आतंकवाद में जो है वो यहूदी भी शामिल है, आतंकवाद में क्रिश्चियन भी शामिल है, आतंकवाद में हिंदू भी शामिल है। तो हम अपनी गवर्नमेंट को कैसे पूरी तरीके से समझाएं कि खाली आतंकवादी मुसलमान ही नहीं होता है, दूसरी कौमों में भी आतंकवाद है। उनको रिटर्न में समझाएं कि उनको हम बोल के समझाएं, मीडिया सुनता नहीं है, मीडिया से मुसलमानों को बताता है कि मुसलमान आतंकवादी है। ये इसके बाद थोड़ी रोशनी डाल देना, नाम भी बता दें। नाम बता दें आप, कहां से बोल रहे हैं, कौन साहब है, नाम बता दें आप अपना। मेरा नाम आरिफ नकवी है। अच्छा, आरिफ नकवी साहब का ये सवाल है। मैं सवाल ये आपसे मैं भी करने वाला था। देखिए बहुत आसान है, जब भी कहीं कोई दहशतगर्दी की वाकयात हो, दहशतगर्दी वाकयात हो, तो ये हमारे तमाम उलमा जो हैं, जो मजहब की ठेकेदारी करते हैं, वो एक साथ ये कहें इसका नाम तो मुसलमान जैसा है लेकिन ये मुसलमान नहीं है, इसका नाम आदिल है तो ठीक है, इसका नाम आदिल होगा लेकिन मुसलमान नहीं है, नाम से मुसलमान है, किरदार से नहीं। हाँ, ये मतलब, क्योंकि मुसलमान की डेफिनेशन ये है कि उसके जरिए किसी दूसरे इंसान को जरा ना पहुंचे, किसी तरीके की परेशानी ना हो, मुसलमान उसको कहते हैं। अगर वो सबके सब ये कहें तो लोग कहना छोड़ दें। अब देखिए ये ऐसे वाकयात भी आपके सामने आ रहे हैं, अभी जो संदीप पकड़ा गया वो आदिल नाम से दहशतगर्दी जो वाकये हो रहे थे उसमें शामिल था। हम माफी चाहते हैं, इस वक्त हम ब्रेक लेंगे कि हमें इशारा हो रहा कोऑर्डिनेशन टीम का। नाज़रीन आप हमारे साथ बने रहिए और हमारा ये प्रोग्राम इस वक्त चल रहा है सवाल आपके, जिसमें हमारे साथ हमारे मेहमान मौजूद है जनाब वकार रिजवी साहब, एडिटर इस वक्त बहुत मशहूर शख्सियत हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं अवधनामा। हम यहाँ पर लेंगे छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद हम फौरन हाजिर होते हैं और आपके सवालों के मुंतजर रहेंगे। नाज़रीन एक बार फिर इस्तकबाल है आपका हमारे इस प्रोग्राम में, सवाल आपके। हमारे साथ इस वक्त हमारे ख़ास मेहमान जो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, जनाब वक़ार रिजवी साहब, चीफ एडिटर अवधनामा, सीनियर सहाफ़ी हैं, और आपकी नज़र इस वक्त हालात पर है। और हमने इसीलिए अभी जो बिल्कुल करीब से एक घटना हुई और दहशतगर्दों ने इस वक्त जो लोग तीर्थ यात्रा के लिए गए हुए थे उन्होंने अपने नाकाम मंसूबों में, गलत मंसूबों में, जो उनके मंसूबे हैं वो दुनिया के अंदर लोगों को खौफ पैदा करना, डराना, मारना, यही शायद उनका धर्म है, यही उनका मज़हब है। जबकि वक़ार साहब ने भी ये बताया कि मज़हब कहीं से, कोई धर्म, कोई मज़हब इजाज़त कतअन नहीं देता कि दहशतगर्दी को फैलाया जाए, बेगुनाह मासूमों की जान ली जाए या ज़माने के अंदर दहशत फैलाई जाए। इस वक्त शायद हमारे पास एक कॉल आ रही है, सबसे पहले हम कॉल लेना चाहेंगे, हम सवाल लेना चाहेंगे, हमारे नाज़रीन सवाल करना चाहते हैं। हेलो जी, सवाल पूछें आप, नाम बता, हेलो नाम बता दें आप अपना। हेलो जी जी, आवाज आ रही है। मैं अख्तर रेड्डी बोल रहा हूँ, विकास नगर लखनऊ से। जी इस्तकबाल है आपका। हाँ, मेरा सवाल ये है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मुकाबले में एक मुसलमान ग्रुप आया था और वहाँ पे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपना डिफेंस किया था, जिसको हम लोग जिहाद कहते हैं। दोनों तरफ से लोग मुसलमान ही थे। इसके बाद अभी हाल में कुछ अर्सा पहले इराक के खिलाफ
एक जारही आदमी ने हमला किया था आईएसएस के नाम से और उसने अपने को भी खलीफा डिक्लेयर किया था और एक मुसलमानों के बहुत बड़े आयतुल्ला ने ये ऐलान किया था कि ये जिहाद है और उसकी वजह से अभी हाल ही में मोसुल आजाद हुआ है और इराक ने अपनी पूरी डिफेंस करके दुश्मनों को भगाया है। इसको आप जरा से तशरीह कर दीजिए कि आज की डेट में अगर जिहाद किसे कहते हैं तो ये एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। सवाल बहुत अच्छा है आपका, बड़ा कीमती सवाल है आपका, हम इस सवाल का इस्तकबाल करते हैं। अच्छा कि पहले भी अभी एक हमारे नाज़रीन ने एक सवाल किया था कि हम जो अवाम है, जो दूसरे मज़ाहिब अदियान के लोग हैं, जो मसरूफ़ ज़िंदगी में अपनी रोज़ी रोटी से जुड़े हुए हैं, वो बड़ा कन्फ्यूज हैं लिबास के नाम पर, दाढ़ी है, मस्जिद है, सजदा है, नमाज है, अल्लाह अकबर है, सारी चीज़ें हैं। और एक सबूत इन्होंने पेश किया कि खुद प्रॉफिट के नवासे हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को बनाम मुसलमान, हमें जैसा समझना पड़ेगा। ये बड़ा अच्छा सवाल है, तो इसे हम कैसे, बहुत अच्छा सवाल किया ये, मैं कहने से थोड़ा हिचक रहा था लेकिन अब आपने कर लिया तो मैं उसको बता दूं कि आज मुसलमानों पे दहशतगर्दी का इल्ज़ाम क्यों है। 1400 साल पे जो हमने गलती किया कि हमने इमाम हुसैन के मुकाबले में जो आया उसको मुसलमान कह दिया और आज तक मुसलमान कहते चले आ रहे हैं। जब हम उसको मुसलमान कहते चले आ रहे हैं तो आज जो भी जुल्म करेगा उससे ज्यादा जुल्म नहीं करेगा। जब वो मुसलमान हो सकता है तो इसको भी मुसलमान उन लोग साबित करने के लिए लगे हुए हैं। अगर वहां कोई ये तय कर ले कि इमाम हुसैन के सामने जो आया वो मुसलमान नहीं था, क्योंकि मुसलमान की डेफिनेशन जो अल्लाह ने बताया, हमारे रसूल ने बनाया, उनमें से किसी भी बात पे यजीद की पूरी फौज खड़ी नहीं उतरती थी, मुसलमान का एक भी सिफत उसमें नहीं पाई जाती थी। लेकिन बदकिस्मती है कि इस्लाम के बहुत से फिरके आज भी उनको मुसलमान तस्लीम करते हैं और जो करते हैं वही इस्लाम में आज दहशतगर्दी के इल्जाम में उन्हीं पर लगाए जाते हैं, उन्हीं लोगों के नाम उन्हीं लोगों के लगाए जाते हैं। इसीलिए मैं बार बार मैंने कहा कि मुसलमान दहशतगर्द आप ना कहिए, मुसलमानों की सिफत आप जो मुसलमान के लिए बताई गई उससे ढूंढिए। उनके नाम मुसलमानों जैसे हो सकते हैं, वो कोई भी रख सकता है। जो मुस्लिम मुखालिफ हैं उन्होंने अब ये आसान तरीका सोचा कि आमने सामने की फौज आए, एक मुल्क दूसरे मुल्क से लड़ाई लड़े, उन्होंने आप में ही कुछ अपने आदमी भेजे, उनको मुसलमान नाम दिया और वो काम किया जो एक फौज करती है। और आपको देखिए, अगर मुसलमान दहशतगर्द होते, मुसलमानों की दहशतगर्दी होती, मुसलमान तो क्या मुसलमानों को ही मार रहे होते? ये एक आम सोचने की बात है। आप हिंदुस्तान के बाहर जितनी भी दहशतगर्दी की वारदातें हो रही हैं वो तो मुसलमान मुसलमान को मार रहा है। तो ये तो मुसलमान मुखालिफ जो फोर्सेज हैं ये उनका काम है। तो आसान तरीका यह है कि 1400 साल पहले अगर हम ये तय कर लें कि इमाम हुसैन के मुकाबले में जो थे वो मुसलमान नहीं था, अगर हम ये तस्लीम करेंगे कि दो मुसलमानों के बीच में लड़ाई हुई, तो फिर आज मुसलमान दहशतगर्द ही कहलाएगा। और जिन्होंने उससे अपने को अलग कर लिया, जो आपने कहा कि आज तक शियों पे ये इल्ज़ाम नहीं लगा, वो सिर्फ इसलिए नहीं लगा कि करबला में शियों ने अपने को इमाम हुसैन के साथ कर लिया और यजीद को मुसलमान मानने से इनकार कर दिया। इसलिए तमाम इल्ज़ाम लगाने वाले ये जानते हैं कि अगर इन पर इल्ज़ाम लगाया जाएगा तो कोई यकीन नहीं करेगा, क्योंकि ये जुल्म के साथ कभी भी नहीं रहे। आज भी यही है, आपने इराक की आपने मिसाल दिया अभी सिस्तानी साहब की कि जिहाद क्या चीज़ है। बहुत आसान है, जो मैं इतनी देर से कह रहा था आपने उसको वादे कर दिया। जब दाइश ग्रोह ने वहाँ पे काबिज हो गई, वहाँ पे लोगों का कत्लेआम होने लगा, तो सिस्तानी साहब ने सिर्फ इतना कहा था कि हर औरत मर्द पे अपनी दवा करना लाजमी है। उन्होंने उसमें भी जंग करने को नहीं कहा। अच्छा, उसमें कंडीशन लगाई थी मुल्क की भी कि मुल्क के बाशिंदे अपने मुल्क के बाशिंदे अपनी दिफा करना, अपना डिफेंस करना उन पे लाजमी है। जब हर एक पे अपना लाजमी हो गया तो ना औरत के लिए अब ये था कि वो उसके मुकाबले में ना आए, ना मर्द के लिए ये था कि उसके मुकाबले में ना आए, ना बच्चों के लिए ये था मुकाबले में ना आए, सिर्फ फौज पे ही आए नहीं था। तो आप देखिए कितनी जल्दी जो जहां जहां उन्होंने कब्जा कर लिया था सब जगह से उनको भागना पड़ा, सब जगह छोड़ना पड़ा। एक आलम की ताकत ये होती है और जिहाद इसको कहते हैं। ये आज भी आप देख सकते हैं, 1400 साल पहले भी आप जिहाद देख सकते हैं। मजलूमों को जालिम के चंगुल से आजाद कराना, इस पे जुल्म हो रहा है, ये जिहाद है। जुल्म करने को जिहाद बदकिस्मती है ये कहा जा रहा है, इसलिए मुसलमान बदनाम हो रहा है।
بہت اچھا جواب دیا آپ نے, اور بڑا اچھا سوال ہمارے اس وقت جو ہے وکاس نگر سے آیا تھا, اور بڑا اچھا سوال انہوں نے کیا کہ, اور آپ کا بھی میں سیلیوٹ کرتا ہوں, آپ کو سلام کرتا ہوں آپ کو, کہ آپ نے بڑا آسان اور بڑا شارٹ میں ایک بڑا قیمتی جواب دے دیا کہ نواس رسول حضرت امام حسین علیہ السلام جنہوں نے شریعت کے تحفظ کے لیے قدم اٹھایا تھا, ان کے مقابلے میں جو جنگ تو نہیں تھی, بے شک یزید سے کوئی ان کی پرسنل بیر نہیں تھا, پرسنل بیر ہوتا تو بچوں کو لگی کیوں جاتے کیوں آتے ہوتا تھا. اب وہاں سے اگر ہم یہ کر لیں تو آرام سے پتہ چل جائے گا کون دہشت گرد ہے کون نہیں ہے. بہت اچھی بات ہے کہ ہمیں یہ طے کرنا پڑے گا آج, وہ وہیں سے طے کرنا پڑے گا, وہیں تو اپنے آپ مسلمان پہ سارے الزام جو لگے ہیں اپنے آپ ختم ہو جائیں گے, جو بھی لگائے جانے نہیں ہوں گے. اگر ہم وہاں سے یہ طے کر لیں کہ یزید امام حسین کے مقابلے میں جو بھی تھا وہ مسلمان نہیں تھا, اس کا نام مسلمان جیسے تھے, وہاں سے فیصلہ کر لیں, یہ الزام اپنے آپ بری ہوتے چلے جائیں گے. علامہ اقبال کا مجھے ایک شعر یاد آ رہا ہے, بڑا قیمتی شعر ہے, کہ کیا تمسخر ہوا اسلام کی تقدیر کے ساتھ, قتل شبیر ہوئے نعرہ تکبیر کے ساتھ. میں آج شاید یہ بڑا آسان ہو گیا ہے سمجھ پانا, بڑا یقین کر لینا. علامہ اقبال نے تاریخ پڑھنے کے بعد, تاریخ پہ نظر ڈالنے کے بعد, فکر کرنے کے بعد یہ شعر رقم کیا جو تاریخ میں آج بھی محفوظ ہے, اور محفوظ آج عراق میں اور سیریا میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کی ترجمانی کر رہا ہے, کہ کل کچھ لوگ ایسے تھے کہ جنہوں نے اس طریقے سے ذبح کیا امام حسین کو, پانی بند کی, اور اس طریقے سے انہوں نے جو اسلام کو بدنام کرنے کی, وہ تو سلام امام حسین علیہ السلام کے اوپر کہ جنہوں نے, اور ان کی بہن جناب زینب سلام اللہ علیہ علی کی بیٹی نے, جو یزیدیت کے چہرے سے اور باطل کے چہرے سے, آتنک وادیوں کے چہرے سے, ان کے چہرے سے نقاب پلٹ دیا اور زمانے پہ چیزیں ظاہر ہو گئی ہیں. تو اس وقت وقار صاحب ہم تو کیا کیا جائے, کیسے کیا جائے اس کو, ابھی آپ دیکھیں کہ ہم, ہاں پہلا سوال آپ سے یہ کرنا چاہتے ہیں کہ ابھی یہ جو ہوا ہے یہ پہلا قدم ہے شیعہ آتنک واد کا, اس پہ آپ, ابھی آپ نے کہا کہ جو ذمہ دار ہیں سو کارڈ, ان کو کیا یہ نہیں چاہیے کہ جتنی جلدی ہو سکے اس کا دفاع کیا جائے اور زمانے کو یہ بتایا جائے کہ آئندہ کوئی قدم اٹھانے سے پہلے, اس طریقے کے الزام لگانے سے پہلے 10 بار کم سے کم سوچے کہ ہم نے جو کچھ کیا ہے, یہ کسی کے اوپر ہم نے جس طریقے سے یہ ان کو ڈسکریج کیا ہے, یا ان کے اوپر ہم نے آتنکواد, یہ بھی آتنکواد ہی کہا جائے گا, کہ آپ ایک قوم کی جو انسانیت کے لیے مظلوموں کے ساتھ کھڑی ہے, ظلم کے خلاف کھڑی ہے, 2 مہینے 8 دن جو ظلم کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں, ظالم کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں, آپ اسے آتنکواد کا نام دے رہے ہیں, کیا اس پہ احتجاج کی اس وقت ضرورت نہیں ہے, کیا اس پہ قدم اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے, ہمیں ہمیں کچھ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ دیکھیے, ہم اپنے بیہیویئر سے, اپنے اخلاق سے ہی لوگوں کو بتا سکتے ہیں. اخلاق سے تو ہم بتا رہے ہیں, یہی طریقہ ہے, یہ جو جسارت کی ہے شیعت نہیں, اس لیے کہ میں اب بہت سی چیزیں آپ کے چینل پہ وہ چیزیں نہیں کہنا چاہتا. ہاں ہم ضروری کہ کہیں نہ کہیں سے دیکھیے, جب بھی کوئی واقعہ مسلمانوں پہ کیوں الزام لگتے رہے دہشت گردی کے, اور شیعوں پہ اب تک کیوں نہیں لگے, پوری اسلامی 1400 سے تاریخ ہے, جہاں جہاں حملے ہوئے, قتل و غارت ہوئی, اس میں بھی کوئی شیعہ حکمراں نہیں تھا, چاہے ہندوستان میں آپ محمود غزنوی سے لے کے بابر اور یہاں تک کی جو بھی آ جائیے, تو آپ دیکھیے اس میں کوئی شیعہ حکمراں تھے. اگر آپ ایک آرام سے شیعوں کی آپ پوچھیں تو شیعہ صوفیزم جو آئی وہ شیعت کو لے کے آئی, انہوں نے یہاں پہ پھیلایا. جو امام حسین کے پیغام کے ساتھ آیا وہ چین اور امن کے ساتھ آیا, اس نے علم اور محبت کو پھیلایا, یہ شیعت کی پہچان تھی, اس لیے لوگوں نے ابھی تک شیعت پہ کوئی الزام نہیں لگایا. چونکہ اب شیعت پہ الزام لگانا اس لیے ضروری ان کے لیے ہو گیا کہ ایران شیعت کا پرچم لیے اکیلا ان ساری فورسز کے خلاف جو دہشت گردی پوری دنیا میں کرا رہی ہیں, کوئی دہشت گرد ہے نہیں, دہشت گرد پری پلاننگ طریقے سے کرائی جا رہی ہے. دیکھیں اپنے ملک میں بھی, میں کوئی پولیٹیکل بات نہیں کرنا چاہتا, لیکن آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے کچھ دنوں سے جن کے ساتھ ہم اٹھتے بیٹھتے تھے, ایک نفرت کا ماحول پیدا ہو رہا ہے, ایک نئی سوچ پیدا ہو رہی ہے, ایسا کبھی نہیں ہوتا تھا. اسی ملک میں ہم لوگ رہ رہے تھے, کبھی آپ نے سنا کہ ٹرین سے کوئی ایک لڑکا آ رہا ہو اس کو 20 آدمیوں نے مل کے مار ڈالا؟ آپ نے کبھی اس ملک میں کبھی سنا کہ ایک گاؤں میں ایک آدمی نے اعلان کر دیا جو انہی گاؤں والوں کے ساتھ برسوں سے رہ رہا ہے, ایک بھیڑ آئی اس نے مار دیا؟ ایسے واقعات صرف ٹیرر ہے, یہ دہشت گردی پھیلانے کا, یہ اسی کو دہشت گردی کہتے ہیں, ایک ڈر کا ماحول آپ میں پیدا کرنا. تو یہ سب منصوبے تحت ہے, یہ منصوبہ بنا کے کیا جا رہا ہے. اس وقت
दो मुस्लिम फोर्सेज हैं जो जग जाहिर हैं, हर आदमी जानता है, एक ट्रंप और एक इजराइल। हर मुसलमान किसी फर्के का हो वो इन दोनों को ये समझने के लिए आसानी से समझ सकता है कि ये मुस्लिम मुखालिफ फोर्सेज हैं। आज एक शख्स उन दो से मिलके तीन हो गया। हमारे मुल्क का कोई प्राइम मिनिस्टर अभी तक की 70 साल में इसराइल नहीं गया। हम ये नहीं कह रहे हैं कि वो किस वजह से गए, लेकिन एक दो मुस्लिम ममालिक, दो मुस्लिम मुस्लिम दुश्मन फोर्सेस से एक आदमी वो मिल रहा है जिसके यहाँ खुद उसके मुल्क में एक ऐसा माहौल पैदा हो रहा है जो लगता है कि मुस्लिम मुखालिफ माहौल बनाया जा रहा है। तो ये पूरी दुनिया में एक ऐसे तरीके का एक मुहाज खड़ा किया जा रहा है जो मुसलमानों को डराया जाए, धमकाया जाए, ये एक मैसेज दिया जाए कि तुम वो सोचो जो हम सोचते हैं वरना तुमको हम रहने नहीं देंगे। तमाम जगह इराक पे आपने देखा सद्दाम हुसैन के ज़माने में हमला हो गया, कहा गया यहाँ पे न्यूक्लियर है, ये है वो है, कुछ नहीं मिला, पूरा मुल्क तबाह कर दिया गया। कुवैत पे ऐसे ही हुआ, ईरान में 10 साल तक की बरसों लड़वाई गई। तो ये कौन है ये पहचाना चाहिएगा। और अफसोस तो ये है कि हमारे 58 मुल्क हैं मुसलमानों के, 58 मुल्क होने के बाद हम लोग ही आपस में लड़ रहे हैं, हम ही लोग किसी न किसी के इशारे पे मुसलमानों के खिलाफ हम जरिया बने हुए हैं उनको बर्बाद करने के लिए। तो मुसलमान पहले असल इस्लाम को समझ ले, तब इस्लाम का परचम लेके चले। अल्लाह ने भी कहा है कि जब मुसलमान गुमराह होगा तो हम जालिम ताकतों के उसके ऊपर मुसल्लत कर देंगे। तो आप इस बात को देख लीजिए, हर जगह जालिम ताकतें हम पे मुसल्लत हैं। तो जाहिर है हमारे किरदार में कहीं ना कहीं तो कोई कमी आई है जो मुसलमान होने की दलाइल नहीं पेश करते। अच्छी बात आपकी। और हमें इस वक्त फिर अल्लामा इकबाल का वो शेर, चूँकि आपने जो कहा है वो याद आ रहा है कि हर मुसलमान रगे बातिल के लिए नश्तर था, उसके आईने हस्ती में अमल जौहर था, जो भरोसा था उसे कुव्वत बाजू पर था, है तुम्हें मौत का डर और उसे अल्लाह का डर था। तो हम इस वक्त जो है वो जो कुछ भी कर रहे हैं वो जग जाहिर है, ज़माना समझ रहा है, मगर हम इस मुल्क में रहते हैं और जिस मुल्क में रहते हैं हुब्बुल वतन मिन अल ईमान, वतन की मोहब्बत ईमान का जुज है, ईमान की निशानी है। हमने ये देखा और महसूस किया है कि मुख्तलिफ ममालिक हैं उन सब में हिंदुस्तान की जो तहजीब, हिंदुस्तान के जो कल्चर, क्योंकि हमारे जो वीवर हिंदुस्तानी हैं और इस प्रोग्राम को मुख्तलिफ शहरों में देखा जाता है, वो देख रहे हैं, वो समझ नहीं पा रहे हैं, यूथ बड़ा डिस्टर्ब है, कन्फ्यूज़ है चीज़ों को देख करके और महसूस कर रहा है। ऐसे में हम ये देख रहे हैं कि जहाँ पर भी आपने कहा कि एक को ट्रेन में जिस तरीके से हादसा हुआ और अलग अलग तरीके से कुछ चीज़ों को जो प्रमोट किया जा रहा है, उसे तैयार किया जा रहा है, और वो उसके बरखिलाफ़ जहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि कुछ ऐसे लोग हैं जो इनिशिएट ले रहे हैं। अभी ये हादसा जो हुआ है इसमें एक नाम बकायदा सोशल मीडिया पे इस वक्त छाया हुआ है जिसने कितनों की जान बचा ली। हम ऐसे चीज़ों को प्रमोट करके क्या इस चीज़ को कुचल नहीं सकते, दबा नहीं सकते? बिल्कुल कुचल सकते हैं। आपने जब अपने मुल्क का नाम लिया तो मैं अपने शहर के कुछ नाम लेना चाहता हूँ जो अपनी ज़िंदगी मुसलमानों की लड़ाई के लिए लड़ रहे हैं। लखनऊ यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रमेश दीक्षित जी, लखनऊ यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर रही प्रोफेसर रूपरेखा वर्मा, वंदना मिश्रा जी जो बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, संदीप पांडे जी, इन लोग मुसलमानों की लड़ाई आपसे ज़्यादा सीना सिपर आपके लिए हैं। अब मुस्लिम क़यादत ढूंढने की जो गलती हम लोग करते हैं यहीं से मात खा जाते हैं। मैं एक बार आप बहुत सीधी सी बात है, जब आप कहिएगा कि हमको कोई मुस्लिम क़यादत मिले तो आप 19% 20% हैं, फिर 80% एक हो जाएंगे आपके मुकाबले में। तो मुस्लिम क़यादत की शर्त ही अपने आप में हमको अपने से अलग कर देती है। ये ऐसे लोग, ऐसे तमाम लोग, आप गुजरात में जब दंगे हुए थे तो आप वहाँ के IPS ऑफिसर्स को देख लिए, IAS ऑफिसर्स को देख लिए जिन्होंने पूरी जंग लड़ी, उनकी किताबें मौजूद हैं, उन्होंने आपके लिए दिया। अभी जब इखलाक वाला वाकया दादरी में हुआ था तो अगर 100 लोगों ने अपने अवार्ड वापस किए थे तो उसमें से 99 गैर मुस्लिम थे, उन लोग आगे आए थे आपके साथ। तो हमको ये नहीं कहना कि हिंदुस्तान में कोई हिंदू वर्सेस मुसलमान हो रहा है। 90% हिंदू जो है वो सेकुलर है, वो हिंदुस्तान का ही तहजीब से जुड़ा रहना चाहता है और वही तहजीब को अमन चाहता है, बनाए रहना चाहता है, वो हमारे लिए लड़ाई लड़ रहा है, हमारे लिए सीना सिपर है। लेकिन कुछ फोर्सेस ऐसे हैं
जो पॉलिटिकल उनकी मजबूरी है वो ये चाहते हैं ये डिफरेंस पैदा करें। अब दो चीज़ें होती हैं, या तो हम ये बताएं कि हमें ये अच्छाइयाँ हैं, या तो हम कुछ और मसले ला के उन अच्छाइयों को अलग कर दें जो बता नहीं सकते, बीच में दूरी पैदा कर दें। लेकिन उसके बावजूद भी अच्छे लोग ज़्यादा हैं और हमको उन लोगों को चुनना चाहिए, उनके साथ आना चाहिए, ये जिद नहीं करनी चाहिए कि क़यादत हमारी हो। गुजरात दंगे में मुजफ्फरनगर जब पिछली गवर्नमेंट में हुआ था तो कहते हैं गुजरात से ही उस वक्त कोई साहब आए थे, एक सेमिनार एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उन्होंने कहा आपके यहाँ 68 MLA हैं असेंबली में, उन्होंने क्या इस्तीफा दे दिया या वो आपके लिए खड़े हो गए? आपने तो मुसलमान चुन के भेजे थे, वो तो मुसलमान थे। तो ये जिद अब छोड़ देनी चाहिए कि क़यादत मुसलमान ही करे, मुसलमान भी करे, लेकिन मुसलमान ही करे। हमारी क़यादत हमा तभी बका हो सकती है जब कोई कायद हमा मुसलमान हो। ये हिंदुस्तान में कम से कम ये नहीं होता हो सकता। तमाम लोग हैं जो आपकी क़यादत आपसे अच्छे तरीके से कर सकते हैं, उनको मौका दें, उनके एतबार को जीते और उनके एतबार को बनाए रखें जो आपके साथ वो शाना बशाना जंग कर रहे हैं। हमारा फ़र्ज़ है कि हम उनको उन तक पहुँचवाएँ, उनको पहचानवाएँ और वो हमारी लड़ाई वो लड़ रहे हैं। इस वक्त हमारे पास एक कॉल हमारे नाज़रीन की तरफ से जो प्रोग्राम को देख रहे हैं, एक सवाल है आपके लिए वक़ार रज़ी साहब, हम चाहेंगे वो सवाल ले लीजिए। आप सवाल पूछें, सवाल करें, आप नाम बताएं अपना, जहमत होगी। सवाल वाजे नहीं है आवाज, मैं माफी चाहता हूँ आप, मैं चाहूंगा फिर से अपना सवाल करें, जहमत होगी आपको, फिर से सवाल करें, आपका सवाल हम तक वाजे से पहुंच नहीं पाया। हेलो जी जी, मैं जितना सवाल आपका समझ पाया मैं आपको दे देता हूँ। हेलो, अगर आप मेरी आवाज़ सुन रहे हो तो मैं आपको जवाब दे दूँ। और हमारे व्यूअर्स जो देख रहे हैं, आपने कहा और मीडिया ने जो लखनऊ में मेरे ख्याल से दहशतगर्दी के इल्ज़ाम में पकड़े गए थे, ये ठाकुरगंज रोड पे जो एक वाकया हुआ था, पुलिस ने काफ़ी देर तक फायरिंग किया फिर उसको मार दिया। तो देखिए, मैंने पहले कह दिया कि मीडिया का रोल बिल्कुल भी जानिबदारी वाला, गैर जानिबदारी का नहीं है। नहीं, मीडिया ने कभी भी ऐसा रोल प्ले नहीं किया। लेकिन जहां तक आपने अवधनामा का भी आप उठाया, मैं अकेला था जो मैंने 3 दिन तक उस पूरे वाकये पे लिखा और एडमिनिस्ट्रेशन के मुखालिफ जो वाकयात मैं समझ पाया कि उस दहशतगर्दी के वाकये को कैसे अंजाम दिया गया और कैसे क्या किया गया, महदूद वसाइल के तहत जो मैं कर सकता था मैंने उस पर आवाज़ उठाई थी। लेकिन बड़े मीडिया को, सब मीडिया को उठानी चाहिए थी, ये अच्छी बात है। मैं तो इसके लिए हमेशा से कह रहा हूँ, ये जो भी है ये मीडिया की जिम्मेदारी है और मीडिया ही एक इमेज बनाता है और वही बिगाड़ता है। अब वो मुसलमानों की इमेज जो वो दहशतगर्दी की बनाई जा रही है वो मीडिया ने बनाई है, हकीकत से इसका कोई लेना देना नहीं है, हकीकत इससे बहुत दूर है। अगर वाकई में कोई तहकीकात कभी हो जाए तो इस मुल्क में पता चलेगा कितने लोग ऐसे होंगे जिनका नाम आदिल होगा और संदीप निकलेंगे। आपने बड़ी अहम बात इस वक्त इशारा किया है और आप सुन रहे हैं वक़ार रिज़वी साहब को,
ہمارے ناظرین جنہوں نے سوال کیا تھا، آپ نے بتایا کہ عہدنامہ نے بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لیا اور اس چیز کو لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کیا ہے، لیکن بڑے وسائل کم وسائل کے باوجود پہنچایا، جو بڑا میڈیا ہے جسے آواز پہنچائی جا سکتی ہے اس نے غیر جانبدارانہ طریقہ ہونا چاہیے۔ ملک کا چوتھا استمبھ ہے، چوتھا استمبھ کہا جاتا ہے ملک کے نرمان کے لیے، ترقی کے لیے اور آگے بڑھانے کے لیے، جسے عوام جڑی ہوئی ہے اس تک حقیقت پہنچانا چاہیے۔ وقار رضوی صاحب، چونکہ ہمارے پاس پروگرام کا وقت ختم ہونے کے بالکل قریب ہے اور ہمارے پاس دو چار منٹ صرف بچے ہوئے ہیں اور ہمارا موضوع بہت اہم ہے آتنکواد کے لیے، کیا آخر میں ہم آپ سے ایک سوال یہ کر سکتے ہیں، بالخصوص الپ سنکھیت مائنورٹی جو ہے، اس مائنورٹی کو ان حالات میں جب حالات کہیں کہیں ناسازگار ہیں، ہمارے پکش میں نہیں ہیں یا کہیں ہیں، اور آپ نے بڑی اچھی بات کہی کہ ہمیں ان لوگوں کے ساتھ انہیں پروموٹ کرنا چاہیے کہ جو ہمارے لیے کھڑے ہیں، جو ہمارے لیے آواز اٹھا رہے ہیں، ہمارے لیے سپر بنے ہوئے ہیں، ہمارے شانہ بشانہ ہیں، تو ایسے میں کیا آپ یہ نہیں مانتے کہ مسلمانوں کی بالخصوص الپسنکھیک میں جو ان کا شمار ہوتا ہے، تعلیم اس کے اندر کہیں نہ کہیں آڑے آتی ہے کہ جس کی وجہ سے ان کا استعمال کر لیا جاتا ہے؟ نہیں، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، یہ تو بار بار کہا، دانشور جتنے لوگ ہیں انہوں نے کہا کہ علم کے بنا آپ دنیا میں ترقی نہیں کر سکتے، اب آپ کا سروائیول علم کے ساتھ ہی ہے اور کوئی طریقہ نہیں ہے۔ اب تھوڑا سا یہ بھی ایک چیز سوچنے کا سمجھنے کا وقت آ گیا ہے کہ انٹلیکچوئلس کو، جو دانشور ہیں، ان کو اکٹھا کر کے ایک کوئی تنظیم بنانی چاہیے جو قوم کو ایسے مسئلے پہ اپنی رائے دیں، بتائیں، جیسے کہ میں مثال کے طور پہ بتائیں۔ ایک منٹ، میں معافی چاہتا ہوں، سوال آ گیا، ذرا سوال لے چلتے چلتے ہیں۔ معصوم، سوال پوچھیں، آپ اپنا سوال کریں، کون سا آپ بول رہے ہیں؟ نہیں نہیں، میرا سوال یہی ہے کہ مولا عباس معصوم ہیں کہ نہیں؟ دیکھیں، یہ اعظم ملک میں آزادار حسین بول رہا ہوں۔ نہیں نہیں، دیکھیں آپ، میں آپ سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ اس وقت جو ہے ہمارا موضوع آتنکواد ہے۔ ہیلو، جی جی، میں آپ کا آواز سن پا رہا ہوں، آپ کا سوال سن پا رہا ہوں، لیکن اس وقت کا جو ہمارا موضوع ہے وہ علماء سے کرنے کا ہے، وہ آپ علماء سے پوچھیے جو تاریخ پر ہیں۔ ہم اس وقت بات کر رہے ہیں آتنکواد کی، ٹیررزم کی، مولا عباس کا بہت بڑا کردار ہے آتنکواد کو کچلنے میں، ختم کرنے میں۔ میں اس سوال کو اس بیچ میں، میں معافی چاہتا ہوں، انشاءاللہ کے لیے کبھی اپیسوڈ میں ہمارے ساتھ علماء موجود ہوں گے، آپ ان سے یہ سوال کریے گا، تاریخی بحث ہے یہ، اس کی طرف ہم نہ جائیں، زیادہ بہتر ہوگا چونکہ ملت جائیں گے۔ میں آپ سے سوال، میں معافی چاہتا ہوں، بہت معافی چاہتا ہوں، عزادار صاحب آپ نے سوال کیا ہے، اس وقت وقار صاحب آپ سے پوچھے تھے کہ تعلیم ایک ذریعہ ہے، ایجوکیشن جو ہے وہ ایک ذریعہ ہے ہمارے آگے بڑھنے کا، ہمیں اپنے حق حاصل کرنے کا اور یہ ثابت کر پانے کا زمانے کو کہ ہم کون لوگ ہیں اور ہم کیسے ملک کی خدمت کر سکتے ہیں، معاشرے کی خدمت کر سکتے ہیں، انسانیت کی خدمت کر سکتے ہیں۔ دیکھیے، دنیا میں جتنے بھی مذاہب ہیں ان کے جو رہنما ہیں وہ آستھا پہ ہیں، عقیدت پہ ہیں، فیت پہ ہیں۔ دنیا میں واحد ہما ایک مسلک ایسا ہے جس کو آپ کسی بھی مذہب کے ماننے والے کے سامنے علم کی بنا پہ، انسانیت کے بنا پہ انٹروڈیوس کرا سکتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا حضرت علی کو ہم سے زیادہ دوسرے لوگوں نے پڑھا ہے، امام جعفر صادق علیہ السلام کو ہم سے زیادہ دوسرے لوگوں نے پڑھا ہے، ہم نے وہ کام نہیں کیا، ہم نے ان لوگوں کو اپنے امام باڑے کے اندر قید کر دیا، اپنے تک لے آئے۔ اگر ہم ان کو باہر لاتے تو لوگ بھی سمجھتے یہ قوم جو ہے ایسے علم کے ماننے والوں کو ماننے والی قوم ہے، علم والوں کی قوم ہے، لیکن ہم نے وہ چیز الگ کر دیا۔ اب اس کا یہاں اٹھانا پڑ رہا ہے سب کو جو لوگ ہیں، کیونکہ ہم عقیدے پہ آ گئے، صرف عقیدے پہ۔ ابھی جیسے دیکھیے، میں نے کہا کہ آج کا ماحول جو ہے وہ نفرت کا ماحول بنایا جا رہا ہے، ایک خوف کا ماحول بنایا جا رہا ہے۔ ابھی جب کچھ دن پہلے ایسا ہوا کہ ہمارے بوچر خانے بند کر دیے گئے اور گوشت بندی کر دی گئی، یہ ہوا۔ اگر کوئی دانشور تنظیم ہوتی، انٹلیکچوئل تنظیم ہوتی، تو وہ شاید یہ کہتی کہ سب مسلمانوں کی طرف سے اعلان ہو جائے کہ گورنمنٹ نے جو قدم اٹھایا ہے ہم اس کا خیر مقدم کرتا ہے، اور سب پانچ پانچ کلو سبزی اس دن خرید لیتے، پھر پتہ چلتا کہ اس کے نتیجے کیا ہوتے ہیں۔ وہ جو آلو 20 روپے میں بک رہا تھا وہ 200 روپے میں بکتا، چار دن گوشت نہ کھاتے۔ لیکن جب آپ احتجاج پہ آئیں گے تو جو مخالف ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ آپ کو دکھائے کہ آپ کتنے ڈرے ہوئے ہیں، کتنے خوف زدہ ہیں، کتنا ہم آپ کا نقصان کر سکتے ہیں، کتنی آپ کو پریشانی میں لا سکتے ہیں۔ تو کیا ہم یہ نہیں کر سکتے وقار صاحب کہ یہ ایک اگر کمیونٹی کی جس کی بات ہم کر رہے ہیں ان پہ اگر ان کی آستھا ہے، تو کیا ہماری تنظیمیں مل کر کے یہ نہیں کہہ سکتے کہ آج کے بعد یہ بیڑا ہم خود اٹھا لیں، کہ ہمارے سے یہ نہیں ہونے دیں گے؟ تنظیمیں کون ہیں؟ ہم نے اپنے سارا بوجھ اپنے علماء پہ ڈال رکھا ہے،
उलमा बेचारे कितना वजन उठाएंगे? ये काम जो दूसरे लोग कर रहे हैं, ये काम हम भी तो कर सकते हैं। हम खड़े हो जाएं सलीके के साथ, कौन करेगा? हमने ये मौका ही नहीं दिया अपने लोगों को। अगर आप ये बात कहिए जाके, मेरी कल में सालिक साहब से बात हो रही थी, उन्होंने कहा बेटा जो बात कहलानी है वो मेंबर से ही लोग मानेंगे। कहा उन्होंने कि हिजबुल्लाह के यहाँ जब ऐसा था कि ये मैसेज पहुंचाया जाए उन्होंने, ये तो उन्होंने अपने 100 लोगों को ट्रेन किया और कहा एक ही बात जाके तुम लोग डिफरेंट मेंबर से कहो। यही बात ऐसे कहोगे तो आवाम नहीं मानेगी, तो बात मेंबर से ही मानी जाती है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने वक्त निकाला और हमारे इस प्रोग्राम में आप तशरीफ ले आए। सवाल आपके में नाज़रीन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और हम दुआगो हैं कि परवरदिगार हम सबके तौफीकात में इजाफा फरमाए और हम मुल्क और मिल्लत की खिदमत कर सकें। पंडित ब्रिज नारायण चकबस्त के मुझे अशार याद आ रहे हैं कि यह अकीदा मिल्लतों का है नहायत ही कदीम, जब कभी मिल्लत की हालत होती है ज़ारो सकीम, कादिर मुतलक जो है दानाए असरारो करीम, भेजता है रहनुमाई के लिए अपना नदीम, रहबराने राहे हक जब रहबरी फरमाते हैं, भूले भटके सब मुसाफिर राह पर आ जाते हैं। उम्मीद करते हैं कि हम उस राह पर आ जाएंगे जहां से इंसानियत की खिदमत हो सके, मानवता की खिदमत हो सके और मुल्क तरक्की कर सके और हर तरफ अमन व अमान का माहौल हो। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, हमारे व्यूअर्स का जो हम लोग देख रहे थे, और हम लोग ये आज अहद करें कि ये दहशतगर्दी का जो इल्ज़ाम हम लोगों पे है ये, इससे हम लोग बरी हो जाएं। उसका एक तरीका यही है कि 1400 साल पीछे जाएं और एक उस जंग में ये तय कर लें कि कौन मुसलमान था कौन नहीं था। बहुत अच्छी बात, और वहाँ से कर लेंगे तो ये फैसला हो जाएगा। तो नाज़रीन, आइए मिल करके हम ये मुत्तहिद हों और इस बात की शपथ लें, अहद करें, ओथ लें कि हम ये ज़माने के अंदर जो दूसरी कौमें हैं जो ये कह रही हैं कि इस्लाम आतंकवाद का नाम है, जबकि दूर दूर तक इस्लाम का आतंकवाद से कोई रिश्ता नहीं है, इसे हमें माशरे को ज़माने को समझाने की ज़रूरत है। हम अपने इस टीम का भी शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि जो हमारे साथ इस टीम में मौजूद रहे, अपने व्यूवर्स का, अपने सुनने वाले नाज़रीन का, दुआएँ दें। इंशाअल्लाह हमारी फिर मुलाकात होगी इसी वक्त किसी मेहमान के साथ, तब तक इंतज़ार कीजिए और हमें इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।